गर्ल्स के लिए केक की डेकोरेशन करूँगी, जो कि मतलब जब शॉप में आई थी मैं उस टाइम कॉल करके बोल दिया गया था, मतलब काम चल रहा था मेरा, केक बनाने का प्रोसेस चल रहा था उस टाइम, उसी दौरान एक कस्टमर ने फ़ोन करके मुझे बोला कि मुझे एक सिस्टर के लिए केक चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, आप अभी मैं काम कर ही रही हूँ तो मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ, तो गर्ल्स के लिए चाहिए ना, तो मैं अपने तरफ से करूँ या आप डिज़ाइन मतलब कमेंट रिकमेंड करेंगे। तो उन्होंने बोला आप अपने जैसा बना दो दीदी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने ऐसा बनाने के लिए सोचा है, तो चलिए देख लीजिए वीडियो को। और बहुत ही प्यारा सा केक है ये, पिंक कलर जो है, मैंने दो तरह की पिंक लिया है, एकदम लाइट जस्ट सिंपल पिंक कलर को मिक्स किया है मैंने क्रीम के साथ, और इस तरह से ऊपर में पैचुरा से डिज़ाइन बना दिया है, और नीचे थोड़ा सा पिंक कलर और ऐड करके, मतलब ज़्यादा डार्क करके, कोई दूसरा कलर मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, सिंपली पिंक कलर को यूज़ करके ज़्यादा कम करके थोड़ा सा ये कलर का शेड लाई हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं स्टार नज़ल का यूज़ करते हुए रोज़ेस जैसा बनाऊँगी। तो ये जो कलर है कितना प्यारा लग रहा है, आप लोग खुद देख लीजिए, बहुत ही एकदम स्वीट सा कलर है, हाय, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आजकल मुझे पता नहीं पिंक कलर के ज़्यादा अच्छे लगने लगा है, मतलब पहले मुझे इतना ज़्यादा खास नहीं लगता था, मतलब क्या है लड़की है तो पिंक ही है क्या, तो ऐसा सोचता, लेकिन सच्ची बता रही हूँ पिंक कलर से अच्छा कोई कुछ लग ही नहीं रहा है अभी तो फ़िलहाल नज़र में। तो इस तरह से करने के बाद मैंने यहाँ पे बटरफ्लाई ऐड कर दिया है, आप चाहे तो कुछ हार्ट शेप भी ऐड कर सकते हो, तो रेडीमेड वाला हार्ट आता है, और यहाँ पे सिंपली एक बटर बोल रही हूँ एक हैप्पी बर्थडे टैग लगा दिया है। आप यहाँ पे कुछ व्हाइट पल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा चलो बार बार ही एक ही जैसा क्या करना, थोड़ा सा इसको ऐसे ही रहने देते हैं।